बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रिल और स्टीम पापलेट फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर हमने चार पापलेट लिए हैं, उसको धोकर अच्छे से साफ कर लिया है, ऐसे कट लगा लिए हैं। मछली मैरिनेट करने के लिए अब हम यहाँ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच नमक, दो चम्मच ऑयल, आप यहाँ पर कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा नींबू, ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब चीज़ों को हमें ऐसे मिक्स करके ले लेना है। अब ये मछली को हमें ऐसे सारा मसाला लगा लेना है। अब हम सारी मछलियों को ऐसे ही मसाला लगा कर ले लेते हैं। हमने यहाँ पर सारी मछली को मसाला लगा लिया है। अब हम इसको एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। हमने फिश को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था एक घंटे के लिए, एक घंटा हो गया है। अब हम इसको ग्रिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ग्रिल पैन लिया हुआ है, इसको हम स्टीम भी करेंगे और ग्रिल भी हो जाएगा। ये बारबेक्यू की तरह होता है। इसे ऐसे स्टैंड निकाल के एक गिलास पानी अब हम इसमें डाल देते हैं। बग़ैर ऑयल के ये मछली स्टीम हो जाती है। जिस तरह आप इसे ग्रिल पैन में बनाते हैं उसी तरह इसका भी टेस्ट आएगा, ये स्टीम भी हो जाएगी। तो ये पैन को हम गैस पे रख देंगे। ग्रिल पैन पे आप ऐसे थोड़ा सा ऑयल डाल दें, आपके पास अगर ब्रश ना हो तो आप इसे टिश्यू पेपर से इसे फैला दें। और जो हमने ये मछली को मसाला लगा कर रख दिया था आप इसके ऊपर रख देते हैं। अब हम ये फिश को ऐसे पलट लेते हैं। ये मछली स्टीम हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। बगैर तेल की ये स्टीम होकर ग्रिल होकर तैयार हो गई है ये मछली। ऐसे पलटाते हुए हमें इसे अच्छे से स्टीम और ग्रिल कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ये मछली ग्रिल हो गई है और स्टीम भी हो गई है, और आपको ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप ऐसे ग्रिल पैन लाकर इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।